राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने गोलवरकर और अंबेडकर के सिद्धांतों के बीच सामाजिक लड़ाई को बताया है। श्याम रजक ने कहा है कि अंबेडकर को मानने वाले महागठबंधन के साथ रहेंगे, वही गोलवरकर को मानने वाले बीजेपी के साथ जाएंगे। जातिवाद जनगणना के सवाल पर नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए बीजेपी को अलग होकर विरोध करने की नसीहत दी है। आज का दिल टूट रहा है और ये कहा जाता है कि जब दिल टूटना है तो देश तोड़ने से कोई बचा नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने नहीं है, राम को मुस्लिम रूप में पूछते हैं, लेकिन ये लोग राम को बना करके आगे रख करके टके और लोगों को देश को तोड़ने का काम, लोगों का तो जाए ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण था कि विचारों की संस्कृति को हम कैसे स्थापित करने का काम करेंगे। सब लोगों को मिला करके आदिवासी भी माइनॉरिटी के लोग भी सब मिल करके इस हिंदुस्तान को बनाया, लेकिन आज राग जी के यहाँ मैं गया था, वो मेरे पारिवारिक संबंध रहे, रामविलास जी हम लोग काफ़ी दिनों तक काम किए हैं साथ में, तो मेरा दायित्व बनता है कि उस परिवार से मिल कर करके उनको साथ उनकी संतावना भी दें और शिष्टाचार भी भेंट करें। तो इस शिष्टाचार के कारण उनके पास गए थे तो काफ़ी बातें हुई, सभी बातों का रस गाठन समय पर हो जाएगा। चुनाव भी बिहार में है, अरे कौन किसके साथ जाएगा, अभी तो जनता का सवाल। एक तरफ है गोलवरकर की नीति, एक तरफ है अंबेडकर की नीति। अंबेडकर की नीति को जो मानेगा वो महागठबंधन के साथ रहेगा, जो गोलवरकर की नीति मानेगा वो एनडीए के साथ रहेगा। सीधी लड़ाई का खिंचा गया है। चिराग से क्या उम्मीद है? हमें सबसे उम्मीद है कि जो गोलवरकर की धारा को प्रतिवाद करेगा वो अंबेडकर की धारा के साथ रहेगा। तो मांग करने से नहीं होगा, आप तो निर्णायक भूमिका में हैं, आप एनडीए के एक बड़े पार्टनर हैं, तो आपको कहने से नहीं होगा, करना होगा, और नहीं करना होगा तो आप समर्थन वापस लीजिए। आप ऐसे नहीं चलेगा, सत्ता प्यारी है कि जनता प्यारी है? अगर सत्ता प्यारी है तो आप कहना बंद कर दीजिए, और जनता प्यारी है तो आप लड़ने के लिए प्रारंभ करिए। हम सब लोग उस सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार की क्या बात करते हैं, वो तो देखिए जनता ने तो पहला पार्टी बनाया था राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को, पहली पार्टी को इन लोगों ने साजिश कर करके विपक्ष में बैठा दिया। दूसरी बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, वो पालकी ढोने का काम कर रही है, और एक जो 43 सीट जीत करके आया तीसरी पार्टी, वो पालकी में बैठ के हवाखोरी करने का काम कर रही है। ये पालकी ढोने वाले जो कहाँ रहे, कितने दिन तक पालकी ढो पाएंगे, आपस में लुत्तम जुत्ता हो रहा है, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।